हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। टुडे वी कंटिन्यू पेज नंबर फॉर्म 119। टुडे टॉपिक इज मस्कुलर एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस इट इज द एबिलिटी टू यूज द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स। इट इज द एबिलिटी टू यूज द मसल्स, किसके लिए होता है ये? मसल्स की एबिलिटी चेक करने के लिए। विच आर अटैच्ड टू द बोन्स, किससे अटैच होती है ये? बोन्स से। ओके, सेवरल टाइम्स इवन विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थकावट के कभी कभार। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म रिपीटेड एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फैटिक। हम बिना थकावट के हम लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज करते हैं, जिस किसी के लिए? मसल्स के लिए। दे आर वेरियस टेस्ट टू मेजर मस्कुलर एंड्योरेंस। ये किस लिए करते हैं? क्योंकि हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस है वो सहन करने की क्षमता, कि हम कितना, हमारी मस्कुलर बॉडी कितनी सहन शक्ति कर सकती, ताकि हमें थकावट ना हो लंबे समय के लिए। देर आर वेरियस टेस्ट टू मेजर मस्कुलर एंड्योरेंस सच एज पुशअप्स, सिटअप्स, पुलअप्स, रनिंग एंड ट्रेडमिल। ये चीज़ें किसके लिए, किस चीज़, कौन से टेस्ट है जो करवाए जा सकते हैं इसमें मस्कुलर के लिए, एंड्योरेंस के लिए? पुशअप्स करवा सकते हैं, सिटअप्स करवा सकते हैं, पुलअप्स करा सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं, ट्रेडमिल पे वॉक करवा सकते हैं, रनिंग करवा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी फोर्थ है। नेक्स्ट, इट इज़ द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट इंडिविजुअली विथ गुड फ्लेक्सिबिलिटी हैव फीवर फेवर सोर्स एंड इंजर्ड मसल्स। फ्लेक्सिबिलिटी किसके लिए? मोशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट्स के लिए बेस्ट होती है। इंडिविजुअली विथ गुड फ्लेक्सिबिलिटी हैव फीवर सोर्स एंड इंजर्ड मसल्स। इंजर्ड मसल्स कम, मतलब मसल्स इंजर्ड होने के कम चांसेस होते हैं। दे आर वेरियस टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटीज। कौन कौन से टेस्ट हैं? सिट एंड रीच टेस्ट होता है, मॉडिफाइड सिट एंड रीच टेस्ट, वी सिट टेस्ट होता है, टोई टच टेस्ट होता है, फ्लोर टच टेस्ट होता है, बैक स्ट्रेच टेस्ट होता है एंड मॉडिफाइड थॉमस टेस्ट होता है। ये सारे टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करवाए जाते हैं। बॉडी कंपोजिशन, इट इज़ द वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। बॉडी कंपोजिशन का सबसे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। बॉडी कंपोजिशन इज़ द परसेंटेज ऑफ लीन बॉडी मास, किसके लिए? बॉडी कम करने के लिए, बॉडी का मास कम करने के लिए, परसेंटेज कम करने के लिए। बोन्स, टेंडन, मसल्स, वाटर, लिगामेंट, ऑर्गन एक्सेट्रा। इन कंपेरिजन टू बॉडी फैट, बॉडी कंपोजिशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल कैलिपर्स। बॉडी कंपोजिशन का जो अपनी जो चर्बी होती है वो किससे नापी जाती है? कैलिपर्स से नापी जाती है, जिसको इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है कैलिपर्स, जिससे आपकी बॉडी की चर्बी जो नापी जाती है। स्पेशलाइज की स्केल और इट कैन बी कैलकुलेट बाई यूजिंग बॉडी मास इंडेक्स। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स स्केल, जिससे आपका बॉडी का मास की, मतलब उसकी चर्बी नापी जाती है, कैलकुलेट की जाती है। यूजिंग हाइट और वेट टू डिटरमाइन द BMI। इसमें क्या यूज़ किया जाता है? वेट और हाइट। नेक्स्ट पेज, टू मेजर द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस टेस्ट आर मेंशनिंग। हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट, अभी अपन ने पढ़ा था हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट। इट इज़ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक फिटनेस टेस्ट, इसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी बोल सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रोहा एंड अदर्स। इसको किसने डेवलप किया? ब्रोहा ने 1943 में। इट इज़ यूज टू मेजर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस और एन एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। किसके लिए करवाया जाता है ये टेस्ट? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, एरोबिक फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट के लिए चेक, ये टेस्ट करवाया जाता है। प्रोसेस, इक्विपमेंट क्या की क्या जरूरत होती है? जिम बेंच और बॉक्स 20 इंचेस हाई फॉर मैन और 16 इंचेस फॉर गर्ल्स, वुमेन के लिए 20 इंचेस का तो एक बॉक्स होता है वो चाहिए होता है बॉयज़ के लिए, मैन के लिए। और 16 इंचेस का जो बॉक्स होता है वो किसके लिए चाहिए होता है? वुमेन के लिए। और स्टॉप वॉच चाहिए होती है और कैंडल स्टेप होना जरूरी। प्रोसीजर क्या? द एथलीट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द बैक बेंच ऑफ बॉक्स, एक जो बॉक्स होता है उसके पीछे की, उसके सामने खड़ा हो जाता है। ऑन द कमांड गो, अगर जैसे ही कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर या कोई डॉक्टर अगर उसमें कमांड देता है कि गो, द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द बेंच और बॉक्स एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप पर मिनट। पर मिनट में 30 स्टेप करवाए जाते हैं, 1 सेकेंड अप एंड 1 डाउन, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे। 1 for 5 minutes, 150 स्टेप, अगर 5 मिनट होते हैं तो 150 स्टेप्स। स्टॉप वॉच इज स्विच ऑन सिमल्टेनियसली एट द स्टार्ट ऑफ द स्टेपिंग, आफ्टर दैट द एथलीट सिट डाउन इमीडिएटली आफ्टर कॉम्पिटिशन ऑफ द टेस्ट। ये सब कराने के बाद क्या होता है, एथलीट वो बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए जब उसका
कंप्लीट हो जाता है टेस्ट। आफ्टर 5 मिनट द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट आर काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ द, एक से जो 1.5 के बीच में जो उसने हार्ट बीट की काउंट करी जाती, कंप्लीट ऑफ द लास्ट स्टेप द हार्ट बीट आर काउंटेड फॉर 30 सेकेंड पीरियड, अगेन द हार्ट बीट आर नोटेड फॉर 30 सेकेंड आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द टेस्ट। मतलब 30 सेकेंड का काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकेंड का काउंट किया, आफ्टर डेट फॉर द थर्ड टाइम द हार्ट बीट आर नोटेड आफ्टर 3 मिनट ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ द टेस्ट फॉर 30 सेकेंड पीरियड। 3 मिनट बाद फिर से हार्ट बीट की डेट नापी जाती है 30 सेकेंड पीरियड्स के लिए। द सेम फुट मस्ट स्टार्ट द स्टेप अपीच टाइम एंड करेक्ट पोस्चर मस्ट बी एज्यूम द बैच, सेम पोजिशन में करना होता है। इसका कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर द एथलीट फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इंडेक्स ये फार्मूला है कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर किसका, हार्ट बीट स्टेप का, कैलकुलेशन ऑफ हार्ट बीट का बोल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द स्कोर द एथलीट फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। फिटनेस इंडेक्स स्कोर इसका जो फार्मूला है 100 into टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, जितना भी टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड, डिवाइडेड बाई 2 into सम ऑफ हार्ट बीट इन रिकवरी पीरियड्स। फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर ड्यूरेशन इज वॉज 300 सेकेंड, तो इन 100 into 300 सेकेंड एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट बिटवीन 1.5 मिनट वॉज 90, कितने हो गया 60+5 कितना हो गया 60+1.5 90, बिटवीन 2.5 मिनट्स वॉज 80 एंड बिटवीन 3 to 3.5 मिनट वॉज 70, देन द फिटनेस इंडेक्स स्कोर विल बी 100 into 300 upon 2 into 240, ऐसे इसका रेशियो आ जाता है। और इसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर नीचे दे रखा है, अगर मेल का 90 है तो 86 का फीमेल है तो एक्सीलेंट है, अगर 80 मेल का है 76 फीमेल का है तो गुड एंड ऑब्जर्व इज, अगर लास्ट में 55 और 50 हो जाता तो पुअर। थैंक यू।